नमस्कार दोस्तों, आज 22 नवंबर दिन सोमवार। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सन्नी भाई की दुकान पे, जो अपना शिमला मिर्च, घिया, खीरा देख लो। आज तो इन्होंने बोर्ड लगा दिया शिमला 30 रुपये। किसी ने भी नहीं बोला है, अरे तेरा नहीं मांग रहा था, ये मांग रहा था। खीरा 22 रुपये, लौकी 16 रुपये। समझ लो जिस दिन बोर्ड लग गए उस दिन बाजार गड़बड़ है, क्योंकि जब नहीं माल बिकता तब बोर्ड लगते हैं। जान लेते हैं भाई साहब से आज का क्या कुछ मंडी की पोजीशन है, देख लेते हैं आज की। आइए सही टाइम पर आए हो, सही टाइम पर आए हो। हाँ जी, ठीक टाइम पे पहुंच गए जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी आप तो बोर्ड लगा दिए गाड़ियों पे। बोर्ड क्या, आज तो ना पंजाब ना उल्टा पड़ गया। अच्छा, पंजाब उल्टा तक और पंजाब ने पलटी मारने की वजह से बाजार की पोजीशन होगी डाउन। अच्छा जी, आज बरेली वाली जो रात को बेची है 30 से 32 रुपए मिर्ची बेची है, इस टाइम बोर्ड 30 का लगा रखा लेकिन नहीं बिक रही है। अच्छा जी, बरेली यही बिकेगी 26 से 28 रुपए किलो। और ये एक्सपोर्टर क्या कर रहे हैं पंजाब के? ये बैंक साहब के सब बिले पड़े हुए हैं। अच्छा जी, और क्या, बरेली की हरी मिर्ची आई थी, बरेली वाली हरी मिर्ची बेची है 16-17 रुपए किलो। अच्छा जी, बरेली वाली अचारी बेची है 18 रुपए किलो, और बारीक तीखी वो बरेली जो बेची है 16 से 17 रुपए किलो। अच्छा जी, ये माल देखो, अभी आगरा वाले माल है ये वाले जी। हाँ, इन मालों की शाइनिंग देखो, ये आगरा वाले मालों की माल तो बढ़िया जी माल। हाँ, इनकी रिपोर्ट चल रही है 30 रुपए किलो से लेके 34 रुपए किलो तक। अच्छा जी, किसानिया है काफी, किसान खड़े हैं आगरा वाले ये। अच्छा जी, हाँ, रात को इनके माल बिके 35-36 रुपए किलो, अब बिक रहे 30-32-34 रुपए किलो ये वाले जी। हाँ, ये आगरा वाले किसान वाले माल। और शिवपुरी का जो बढ़िया वाले जी, शिवपुरी वाले मालों में क्या है, बरसात की वजह से ना उन मालों में आ गई मिट्टी की शिकायत। बरसात पड़ी है वहाँ पर, वहाँ बरसात एक दिन हुई थी, उस चक्कर में उन मालों पे आ गई मट्टी की शिकायत। मट्टी की शिकायत आने की वजह से ग्राहक उन मालों को नहीं पकड़ रहा है। अच्छा जी, अगर उन पे मट्टी लगी है तो उसके मुकाबले ये लोकल जो मिर्ची बिक रही है ना 30-32-34, ये ज्यादा बेटर लग रही है उसके मुकाबले। अच्छा जी, हाँ, मतलब उसकी अगर खूबसूरती देखी जाए तो इनकी खूबसूरती ज्यादा बेटर है। ये गत्तों में मट्टी वाली, जो गत्तों के अंदर लगाया कट्टा डब्बा थोड़ा सा बना के लगा रखा है, लेकिन ये कोई डब्बा खोलेंगे तो मट्टी की शिकायत आ रही है। अच्छा जी, उस मट्टी की शिकायत की वजह से उठाव नहीं आ रहा, मट्टी के छिट्टे लग जाते हैं अंदर। और ये जो शिवपुरी का जो आइडिया चल रहा है 36 से 38 रुपए का आइडिया चल रहा है शिवपुरी का, शिवपुरी वाला जी। हाँ, और अपना ये खीरा कहाँ वाला है जी? खीरा जो है अपना रायपुर वाला खीरा है, 22 रुपए किलो रायपुर वाला खीरा चल रहा है। लौकी की पोजीशन है 15-16 रुपए किलो। अच्छा जी, और रायपुर वाली ये शिमला मिर्ची आई है, मिर्ची पुराने पन की शिकायत है, अभी कोई उठाव नहीं है मिर्चियों का। अच्छा जी, हाँ, डाउन ही है, मॉल डाउन है, मॉल ठंडा है बिल्कुल भी। जो किसान बेचारे सुस्त पड़े हुए हैं, सारे किसान थोड़ा डाउन है जी लग रही है। जितने भी किसान पीछे बैठे हैं देखो, इन सबके चेहरे देख लो, सब सुस्त पड़े हुए हैं इस टाइम। हाँ, ये तो पहले भी मिले हैं भाई साहब, पहले भी मिले हैं, सारा मॉल अभी सुस्त वाला मॉल है अभी। धन्यवाद भाई साहब जानकारी देने के लिए। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। दोस्तों बात करते हैं राहुल ब्रदर्स के पास, जानते हैं राहुल ब्रदर्स के पास आज का जो हरी मटर है, और इनके पास ये जो अपना फ्रांस बीन है इसका क्या कुछ बाजार रहा। पर ये जो बैंगन है ये तो शायद और की दुकान पर, दुकान इनकी है तो आड़ती के पास जगह नहीं होगी तो इनकी दुकान पे बेच रहे। जान लेते हैं फ्रांस बीन का और हरी मटर का आज का क्या कुछ बाजार चला। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का मटर का फ्रांस बीन का बताओ कहाँ कहाँ की आई जी? मटर तो इस पंजाब की चालू हो गई है। अच्छा जी, शिमला के जो माल काफी कम आ रहे हैं। अच्छा जी, वो खाली 40-50 बोरी शिमला बस, क्योंकि जिससे ठंड बढ़ रही है ना। हाँ जी, तो माल खत्म कम होता जाएगा वहाँ पे। बस तो फिर 2-4 दिन का सीजन रहेगा, बस 2-4 दिन ये माल इस महीने में शिमला खत्म जाएगी। अच्छा जी, हिमाचल माल खत्म जाएगा, हिमाचल वाला माल। अच्छा जी, हिमाचल वाले माल बिके यहाँ पे 360 रुपए किलो से लेकर 90 रुपए किलो तक, खाली 60 रुपए किलो से लेकर 90 रुपए किलो किलो तक। अच्छा जी, ये पंजाब वाली मटर है, मंडी में होगी 10-12 गाड़ी है मंडी के अंदर। पंजाब है जी, पंजाब है जी। हाँ, अच्छा जी, 10-12 गाड़ी है, इनका बाजार है यहाँ पे 300 रुपए से लेकर 350 रुपए, 300 से लेकर 350 रुपए 70 रुपए किलो तक, 60 से 70 रुपए किलो। हाँ जी। अच्छा जी, और फ्रांस बीन कहाँ वाली आई जी? फ्रांस बीन जी जगह पंजाब से भी चालू हो गई है, नासिक भी आ रही है, पंजाबी हो गई है, पंजाबी आ गई है, नासिक भी आ रही है, देहरादून भी आ रही है, रांची भी आ रही है। अच्छा, और शिमला भी आ रही है। अच्छा जी, 5 तरह की बीन आ रही है। ये जो बीन पड़ी है आपके पास, मैं दिखाऊंगा, ये जो बीन पड़ी है ये नासिक की पड़ी है, ये वाली जी। हाँ, अच्छा जी, सबसे हल्की क्वालिटी है नासिक इसमें। अच्छा जी, इसका बाजार है यहाँ पे 35 रुपए किलो से लेके 45 रुपए किलो, ये वाली जी। हाँ जी, और पंजाब की कैसी है जी? पंजाबी का नहीं, अभी अभी 4-5 दिन पे चालू हुई है, वो बिक्री 60-55 रुपए किलो। अच्छा, 55-60 रुपए किलो, क्वालिटी बढ़िया है। और अपना उत्तराखंड वाली जी? उत्तराखंड की क्वालिटी अच्छी है। अच्छा जी, ये जो लाल कट्टों में जाली वाले, ये बिक्री है 55-60-65।
अच्छा ज्यादा 60 रुपए बिक रही 60 रुपए 60 रुपए के आसपास जी। हाँ जी। और अपना ये और कौन सी बता रहे हैं? शिमला वाली बीन वो रात में बिक गई, वो बिकी 65 रुपए किलो। अच्छा जी। रांची वाली बीन वो भी रात में बिक गई, वो भी 65 रुपए बिकी है। अच्छा जी। यानी डाउन क्वालिटी में नासिक है जी बची? हाँ डाउन क्वालिटी, जब सबसे लो क्वालिटी नासिक है। ये बड़ी बोरी होने के कारण जी वैसे ज्यादा इनकी क्वालिटी हल्की है, इनकी तो टेढ़ी मेढ़ी बीन है, चमक नहीं है, मोटी बीन है। दूर से भी आ रही है साथ में? जी का भी कारण है, अभी दूर से आ रही काफी है। नहीं इस तरह मौसम ठंडा, दूर का कारण कोई नहीं है भाई, ये क्वालिटी सही नहीं है। आप देखो ना इस बीन में और इसमें कितना कम, बहुत जमीन आसमान फर्क है। हाँ जी। क्वालिटी तो कितनी हल्की, क्वालिटी वाली सफेद है जी, थोड़ी है टेढ़ी मेढ़ी है, आपको ग्रीन ज्यादा है, टेढ़ी मेढ़ी कलर भी नहीं है। अच्छा जी। लाल पीली है अपने पास है। ये सेम फली भी आई जी? सेम, ये भी नासिक की आई है। अच्छा जी। ये 20x24 बिक रही है, 20 रुपए से 24 रुपए किलो नासी है सेम फली। हाँ। और ये बैंगन किसका पड़ा जी आगे? बैंगन भी अपना ये कानपुर का बैंगन है। वो जी, वो कानपुर का बैंगन जी अपने पास है। ये क्या रेट चला जी? अरे बैंगन क्या बेच रहे हो? 12 रुपए किलो जी बैंगन। दोस्तों आप बैंगन पूछते थे कि बैंगन बताओ, लो जी कानपुर का बैंगन है 12 रुपए किलो। ये गोभी भी कानपुर की है, 15 रुपए किलो गोभी बिक रही है। गोभी भी दोस्तों 15 रुपए किलो गोभी। आप बोलते हैं किसी आरती का नंबर बताओ, गोभी वाला भी लो जी, बैंगन भी लो और गोभी भी लो। धन्यवाद सर जी जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका जी। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है, चल रख दे दूसरा रख दे, वो दिखा दूंगा। दोस्तों ये इनकी दुकान का एड्रेस है और इनका ये मोबाइल नंबर है। इनकी दुकान पे आपको 12 महीने मटर मिलेगी और फ्रांस बीन, आज तो इनकी दुकान पे फूल गोभी और बैंगन भी आए। दोस्तों बात करते हैं अरबी की, जानते हैं धीरज भाई से आज का अरबी का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी अरबी कैसी पोजीशन चल रही, मंडी क्या कर रही है? ये है अरबी पहले से बहुत कम आ रही है, लेकिन ये है कि 2-3 दिन से बाजार में थोड़ा उठाव है, भाव में उठाव नहीं है। अच्छा। लेकिन ये बाजार में उठाव है। अच्छा, तो ऐसी अरबी क्या रेट चल रही है ये जी? बढ़िया अरबी बिकी है मेरी 12 रुपए किलो जी। ये वाली? हाँ जी, बिसोली की है बढ़िया अरबी। अच्छा जी। माल 2 गाड़ी था, लगभग 1 गाड़ी माल मेरा बिक गया है, एक थोड़ी बोरियां बची, यही 2-3। ये हल्के वाली? ये हल्के वाली 10 रुपए है जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये 10 रुपए है, ये इसके सैंपल है, ये इसका असल है। अच्छा। ऐसा माल है जी, ये बिसोली का माल है जी, 10 रुपए किलो एक तरफ से बिका है। अच्छा। बाजार बेशक नहीं उठा। और जी बैगन आ रहा भरते वाला, वो बिका मेरे पास। हाँ जी, 14-13 रुपए तक बिका लास्ट में। ये कहाँ वाला है जी? ये जी बुलंदशहर यूपी से आ रहा है जी। उधर तो वो कानपुर वाला, कानपुर वाला अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, मेरे बैगन की क्वालिटी अलग है। मैं 4 महीने से कंटिन्यू बेच रहा हूँ, इस बार मैंने हाईएस्ट बैगन 40 रुपए किलो तक बेचा है। अच्छा। अब थोड़ा क्या ये फसल पुरानी हो गई है, फिर भी 14-15 रुपए किलो ग्राहक इसको पकड़ रहे हैं। अच्छा जी। हंस के भी। दोस्तों बात करते हैं महेंद्र सिंह जी की दुकान पे, जो महेंद्र सिंह जी की दुकान पे अपना ये बथवाया, इनके पास ये बथवाता है और इनके पास ये करेला है और वो उधर रखी ब्रोकली गोभी रखी और ये फूल गोभी रखी। जान लेते आज का क्या कुछ बाजार चला, करेले का, बथवे का, ब्रोकली गोभी का, फूल गोभी का आज का बाजार। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज ये कहाँ का माल है जी, फूल गोभी वगैरह ब्रोक लीजिए। कानपुर से गोभी आई थी, करेला आया था, शलगम आई थी। अच्छा जी। और शलगम क्या रेट रहा जी आज? शलगम बिका 500-400 रुपए कट्टा। कट्टा जी। और वजन कितना जी उसमें? वजन उसमें 25 किलो। 25 किलो। और ये फूल गोभी जी? फूल गोभी बिक रही है 15-14-12 रुपए। अच्छा जी। और ये करेला जी? करेला बिक रहा है 20-18-15 रुपए। और टिंडा नहीं आया जी? टिंडा बिका 80 रुपए किलो। टिंडा बिक चुका नहीं रहेगी? हाँ बिक गई सारी। अच्छा 80 रुपए किलो जी? 80 रुपए किलो। और ये बथवा जी? बथवा बिक रहा है 70-80 रुपए। बथवा तो काफी है जी आपके पास? हाँ बथवे की धांग लगी हुई है। अच्छा। 70-80 रुपए दड़ी? हाँ जी। 5 किलो? 50 रुपए से लेकर 70-80 रुपए दड़ी। अच्छा। नहीं तो फिर 10 रुपए से लेकर 14 रुपए किलो? हाँ 10 रुपए से लेकर 14। कचरी नहीं आई आज? आई कचरी आई थी, वो बिकी 20 रुपए किलो। अच्छा जी। और क्या माल आ रहा जी? बस यही थी। और जुगनी वगैरह जी? वो जुगनी बिकी है 150 रुपए। अच्छा जी। और पीले वाली जी? पीली वाली 150 रुपए, हरी वाली 100 रुपए। अच्छा जी। धन्यवाद सर जी। सर जी अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टेक्ट नंबर। मेरा नाम महेंद्र सिंह सिसोदिया है, आजादपुर मंडी डी ब्लॉक 1219 दुकान नंबर है और मेरा मोबाइल नंबर है 93-11-370-778। अच्छा जी। कोई भी भाई मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कटहल की, कटहल का जो अभी गाड़ी आई 8 सीट तो आनी है, पल्लेदार बेच रहे दोस्तों उसको 30 रुपए से लेकर 40 रुपए किलो, छांट के 40 रुपए, बाकी नीचे में जो अड़का है 30 रुपए और जो एक डब से गाड़ी में से भरेंगे कोई बोरी तो वो समझ लो 35 रुपए, 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए। दोस्तों बात करते हैं पत्ता गोभी की, जानते हैं पत्ता गोभी का, फूल गोभी का क्या रेट।
और बात करते हैं दोस्तों चुकंदर की। इनके पास ही अपना पत्ता गोभी आई और चुकंदर आया। जान लेते हैं भाई साहब से आज का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। हाँ जी, हाँ जी, 850 बंद गोभी। अच्छा, चुकंदर 1300। 850 की बंद गोभी, चुकंदर 1350 रुपए क्या किलो क्विंटल बोरी? बोरी 1350 की बोरी। हाँ, बोरी। और वजन कितना है इसमें? वजन होगा 80-85-90 किलो। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों बात करते हैं इनकी भाई साहब की दुकान पे परमल आता है। ये परमल कुंदरू जो गाड़ियों में आता है इनके पास, और अपने पास इनके खीराया स्पेशल, और ये करेले है जो गत्ते वाली पेटी का करेला और शिमला मिर्च। जान लेते हैं भाई साहब से आज का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज क्या क्या बाजार चला और क्या माल आया इसके अलावा जी? आज ये शिमला चली है ये 30-28 रुपए किलो। शिमला तो मंदी हो गई। आज शिमला का बाजार खराब चल रहा है। अच्छा जी, वो करेला 40 रुपए का सूरत ये, वाला ये सूरत वाला जी। हाँ जी, हाँ जी, बाकी क्वालिटी है जी करेले की तो। आज ही ग्रेडिंग होके आता है वहाँ से खेत पे से। अच्छा जी, और ये खीरा भाई साहब? खीरा गुवाहाटी का ये 20 रुपए किलो चला। ये गुवाहाटी का है जी? हाँ जी। अच्छा जी, और भाई साहब ये कुंदरू का जी? कुंदरू चला है 26-28 रुपए था, कलकत्ता का। अच्छा जी, और वो परमल जी? परमल भी का 36 रुपए किलो। और ये बीन भी अपने, ये क्या बीन है जी? ये लाल मिर्ची है। लाल नहीं, हरी मिर्ची जी। हाँ, ये हरी मिर्ची है ये। हाँ जी, और बीन है लाल कट्टों में। अच्छा जी, वो ये बीन पीछे है रांची, रांची की झारखंड। अच्छा, बीन भी की है 60 रुपए किलो। अच्छा जी, हाँ जी, आपने पास बस ये चल गया जी, अब गुजरात वाला माल चल गया। और मेरे पे खीरा है उसका हल्दीबाड़ी का। अच्छा जी, देसी। अच्छा जी, वो गत्ते की उसमें वो पेटी में जो है, इसकी क्वालिटी अलग है भाई कुछ? ये देसी है ये। इसका क्या रेट है भाई? इसका 30 रुपए किलो रेट है ये। अच्छा जी, ये तो मैं डबल में गया जी। नहीं, पीछे काफी दूर से आता है। अच्छा, इसमें और इसमें स्वाद में खाने में फर्क है जी? हाइब्रिड है ये, देसी है ये। अच्छा जी, अच्छा। हाँ जी, धन्यवाद दोस्त। दोस्त अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बोल दो भाई साहब। दुकान का नंबर है D425, कॉन्टेक्ट नंबर है 9811734004। थोड़ा कॉन्टेक्ट नंबर धीरे बोलो। 9811734004। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। ओके सर। दोस्तों बात करते हैं शकरकंदी की। जान लेते हैं शकरकंदी का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला। और जो इनके पास ये जिमीकंद आता है, जिमीकंद की गाड़ी तो आज इनके पास नहीं है। जान लेते हैं क्या बात। सर जी नमस्कार जी। जिमीकंद ये पुराना है, नया नहीं आजी? नया है, नहीं आया सर, दूसरे के पास आया। वो 16-17 रुपए। तो जिमीकंद का क्या बाजार चल रहा है? 16-15 रुपए, 17 रुपए जैसा बाजार। अच्छा, ये गुजरात वाला जी? हाँ जी सर। और अपना शकरकंदी जी है? शकरकंदी 20-18 रुपए। अच्छा, पहले तो एक दो दिन पहले तेज हो गई थी जी। हाँ जी, बीच में हो गया था 25-24 रुपए। अच्छा, फिर दोबारा 18-20 डाउन हो गया सर। अच्छा जी, अच्छा, धन्यवाद दोस्त। दोस्त अपना मोबाइल नंबर दुकान का। दुकान का नाम सतपाल मदनलाल, D422। मोबाइल नंबर 9971161582। सेठ का नंबर 9812826650। धन्यवाद सर जी। दोस्तों बात करते हैं मशरूम की। जान लेते हैं मशरूम का आज का मंडी में क्या कुछ बाजार चला। जो स्पेशल अपना भाई साहब मशरूम बेचने वाले हैं, वैसे तो दुकानें यहाँ पर काफ़ी हैं। जान लेते हैं भाई साहब से आज की क्या कुछ पोजिशन। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब वो नहीं आ रही जो डब्बियों में आती थी, वो उसका उठाव कम हो गया, लोकल का ज्यादा हो गया। ये जो हाँ है जी, ये आटा दोस्त पीछे से वो दिखाना। अच्छा, रखी डो तो एसी प्लान का, उसका डिमांड कम हो गई है। अच्छा, लोकल की डिमांड ज्यादा है। उसका क्या रेट चल रहा जी? एसी का 100-120 रुपए किलो। अच्छा, और इसका जो लोकल का है वो 80-100। फिर वो महंगी है जी? हाँ, वो महंगी है क्योंकि पैकिंग का खर्चा एक्स्ट्रा हो जाता है। अच्छा, पर इसकी डिमांड ज्यादा है जी? इसकी डिमांड ज्यादा है। अब तो ये बहुत ज्यादा आने लगी होगी मंडी में। हाँ जी, हाँ जी, बहुत ज्यादा आई है, और 2-3 बजे तक छुट्टी नहीं मिलती। अच्छा जी, तो रात में भी यही बाजार था कि दिन में है जी? अब रात को 10 रुपए टाइट था, दिन में 10 रुपए मंदा है। अच्छा, और सुबह होने के बाद मेरी समझ से 9-10 बजे के बाद थोड़ा टाइट होगा बाजार। अच्छा जी, हाँ, इसका अप डाउन होता रहता बाजार लगातार दिन के हिसाब से, बिक्री के हिसाब से। कैसी हर घंटे चेंजिंग है? अच्छा जी, ये नई किस्म की सब्जी भी हर घंटे चेंज हो रही। अभी माल शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट है जी, बिल्कुल शेयर मार्केट का काम करता है। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। आपका नंबर ये संजय कुमार है संदीप कुमार वाला? संदीप कुमार। दोस्तों ये है इनका मशरूम वाले संदीप कुमार का भाई का मोबाइल नंबर। दोस्तों बात करते हैं बंगाली सब्जियों की। जान लेते हैं भाई साहब के पास आज तो एक बार फिर इनकी दुकान फुल हो चुकी बंगाली सब्जियों में। जान लेते हैं आज का क्या कुछ बाजार चला। जैसे बंगाली अपना बैंगन तो है, इसके साथ साथ इनके पास और कई आइटम है जैसे बंगाली पिट्ठा वगैरह। जानते हैं भाई साहब से आज की क्या कुछ पोजीशन है। हल्दी भी है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब जी आज का क्या कुछ बाजार चला जी इनका सब्जियों का जी?
सर जी अभी बैगन हमारे पास अभी आ रही गाड़ी। अच्छा जी, बैगन की बाजार चल रही है 18 से 20 रुपए से लेकर। लेट हो जी ये गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी थोड़ी लेट आई है आज। अच्छा जी, हाँ जी। और ये हल्दी आज का जी? हल्दी चली जी 18, 17, 20। अच्छा, 18 से 20 लगा लो एवरेज आ रही है। ठीक है, हल्दी तो बढ़िया जी। हल्दी जी एक नंबर की इस टाइम पे आ रही है, हल्दी बहुत बढ़िया आ रही है। अच्छा जी, और ये पेठा क्या चला जी, बंगाली पेठा? पेठा ये चल रहा है 15 रुपए किलो। और एक इधर मोटा रखा मैंने, कहाँ देखा ये वाला लंबा पेठा? हाँ जी, आज ये पहली बार लग रहा है पेठा इतना लंबा, कभी आता नहीं पेठा ऐसा। ये तो यही नहीं पता घी है ये? नहीं नहीं, है तो पेठा ही है। अच्छा जी, हाँ जी, पेठा लंबे वाला जी। हाँ, मिठाई वाला पेठा बोलते हैं इसको। अच्छा, ये क्या रेट जी? ये जी वही चलेगा 14-15 रुपए बिकेगा, पहली बार आया, देखते हैं क्या बिक रहा है अभी। अच्छा जी, बाजार नहीं अभी। और ये इसका बाजार हुआ आज केले के फूल? ये जी अगर दर्जन बिकता है तो 200 रुपए दर्जन बिकता है, 180 रुपए अगर। अच्छा, पीस के हिसाब से 20 रुपए पीस बिकता है। अच्छा जी, इसको मोचा कहते हैं। इसकी सब्जी बनती है ना? हाँ जी, हाँ जी, इसकी सब्जी बनती है। कमाल है बंगालियों के भी। चलो बढ़िया भाई, आप अपना डिश है सबकी। और ये भाई ये वही चीज उसी ने बताया था, मैंने मान कोच बताया था इसको 30 रुपए किलो बिक रहा है। बिक रहा है भाई, बिकता है काफी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, बिकता है जी इसको मान कोचू? हाँ जी, मान कोचू। ठीक ठीक, और क्या माल आया भाई? और पजी आया मेरे पास, ये क्या चीज ये दिखाइए इसको जी, रतालू कहते हैं या मिट्टी आलू कह लो, बंगाली आलू कह लो कुछ। ये तो बड़ी तगड़ी गांठ भाई इसकी। हाँ जी, ये ऐसा ही होता है जी। ये लकड़ी है कि ये कुछ चीज है? नहीं सर, ये बंगाली आलू होता है। इतना मोटा? हाँ, इसको रतालू कहते हैं वैसे। अच्छा जी, हाँ जी, ये तो बहुत बड़ी है, तो ऐसी लग रही कोई लकड़ी लुकड़ी है। अच्छा जी, खाने में टेस्टी है जी? हाँ जी, बहुत टेस्टी है। पता नहीं सब हमने खाया नहीं, बंगाली खाते हैं इसको। अच्छा, टेस्टी होता है। इसका क्या रेट चल रहा भाई? ये सर जी बिकता है 60 से 65 रुपए, 70 रुपए तक बिकता है किलो। हाँ जी, किलो। अच्छा जी, हाँ जी। और केले का क्या बाजार चला जी आज? केले का बाजार चल रहा है जी 22-24 रुपए चल रहा है। और क्या बोल रही इसमें आप? और इस आलू में छोटा आलू भी आता है, ये छोटे साइज के होते हैं। अच्छा, ये तो दिखाया था आपने छोटे साइज मट्टी आलू। हाँ, ये थोड़ा सस्ता बिकता है, बिकता 30 से 35 रुपए किलो तक। अच्छा, वो 60-65 रुपए? ये तो यार जबरदस्त चीज है भाई, देखने में ही लग रही कोई जैसे जड़ हो कोई किसी चीज की, जड़ी बूटी हो गई, बंगाली वही खाते है जी, प्योर चीज खाते है। और हमारे पास पपीता आया है, पपीता बिक रहा है 14-15 रुपए किलो, ये कच्चा पपीता। हाँ जी, ठीक 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 ठीक, धन्यवाद दोस्त। दोस्त अपना नाम? नाम जी आदित्य शुक्ला। और दुकान एड्रेस? D416 आजादपुर मंडी। और मोबाइल नंबर? धीरे। हाँ जी, D416 आजादपुर मंडी। मोबाइल धीरे बोलना। मोबाइल नंबर जी 9616964051। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त, थैंक यू। दोस्तों ये केले अभी इन्हीं की दुकान पे बिकता है, केले की गाड़ियाँ आती है। और ये भाई साहब यहाँ पर आपको बैठे मिलेंगे, दो गाड़ी अरवी कंटिन्यू आएगी और अपनी बिकती रहेगी। दो गाड़ी अरवी थी, ये मेरी बिक चुकी है, यही 50 बोरियां रह गई हैं जी। दोस्त अपना कॉन्टैक्ट नंबर और दुकान एड्रेस? मेरा नाम है धीरज कुमार, शॉप नंबर है 239 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर है 9643459404। अच्छा, धन्यवाद जी, धन्यवाद। दोस्तों बात करते हैं मक्की की, स्वीट कॉर्न मक्की। आज भाई साहब के पास ये पहली गाड़ी आई, बहुत दूर से गाड़ी आई, पर ये जो स्वीट कॉर्न मक्की है बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, जो अपने हरियाणा वाली स्वीट कॉर्न मक्की है। और इसमें तो खाली गुल्ले भी नहीं करते हैं और छोटी छोटी है, बहुत बम्पर साइज की, देखो इसका साइज देखो, और पूरी बड़ी स्वीट कॉर्न मक्की है। जानते हैं भाई साहब से आज इनकी दुकान पर क्या रेट चला। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब आज तो यार बहुत ज़बरदस्त मक्की, कहाँ से आई जी? अहमदाबाद है सर। अच्छा, काफ़ी दिन बाद आई क्या ये? हाँ जी, अब लोकल चल रहा था, अभी लोकल कम हो गया है। अच्छा, आज पहली गाड़ी मंगाई? पहली गाड़ी मंगाई। वाह जी वाह, मक्की तो बड़ी शानदार भाई। तो क्या रेट निकाला भाई इसका आज? 24-25 रुपए। 24-25 रुपए? हाँ जी। अच्छा जी, अच्छा, अब बिका भी कुछ थोड़ा बहुत? हाँ बेचा है। अच्छा जी, अभी 40-50 बोरी बेची है। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। अपनी दुकान का एड्रेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर? हमारी 1400D 1430। अच्छा जी, न्यू सब्जी मंडी जादवपुर दिल्ली। अच्छा, कॉन्टैक्ट नंबर भाई? कनेक्ट नंबर है 9936270922। अच्छा जी, धन्यवाद दोस्त। दोस्तों बात करते हैं प्याज की, जानते हैं बब्बू भाई के पास आज का प्याज का क्या कुछ रेट चला। आज इनके पास प्याज तो काफ़ी है, जान लेते हैं आज का हरे प्याज की क्या कुछ पोजीशन है। नमस्कार भाई साहब जी। भाई साहब आज बेचा नहीं है कि लेट आया जी, क्या बात है? वही प्याज सारा बिक चुका है, लेकिन प्याज का इतना मंदा था, 5 रुपए किलो से लेके ये समझ लो बढ़िया प्याज 15-16 रुपए किलो तक बिका है। जोन सा पहले वो 30 रुपए तक जाता था। हाँ जी, हाँ जी, आज 15-16 रुपए बिका हाईएस्ट, वो नीचे में 5 रुपए। हाँ जी, आज आवत ज्यादा थी, माल इतना ज्यादा आया हुआ था मंडी में कि बाहर का कोई ग्राहक नहीं था। अच्छा, किसान ही है भाई? हाँ, ये किसान ही है, अभी इनकी एक बोट आई थी, अभी बिकी नहीं है। अच्छा, फिर ये बिक लिया सारे का सारा? हाँ, ये बिक गया है, लेकिन ये समझ लो बिका क्या, वही 5-6 रुपए किलो पल्लेदारों के नाम किया है, वो बेच रहे हैं बेचारे। अच्छा, ज्यादा आने की वजह से? हाँ, आवत ज्यादा थी आज। अच्छा जी, अच्छा, माल बहुत ज्यादा था। अच्छा जी, तकरीबन मान लो 5। और क्या माल आ रहा भाई अपने पास?
बाबू जी अपने पास खीरा आ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, टोटल वैसे ऑल सब्जी आती है, ऐसी बात नहीं है। बस यही एड्रेस है जी आपका? हाँ जी, हाँ जी भाई जी, अपना धन्यवाद दोस्त। ठीक है भाई जी। दोस्तों बात करते हैं जुगनी की, ये होती है जिसको जुगनी, लंबे वाली जुगनी, जान लेते हैं इसका जुगनी का आज का क्या कुछ इनके पास बाजार रहा। ये वाली कद्दू जैसी होती है, जो स्वाद इसका टेस्ट कद्दू वाला जुगनी का, और इनके पास जो है कच्चा पपीता आता है, जानते हैं भाई साहब से आज का क्या कुछ रहा पपीते का और जुगनी का भाव। हाँ तो किसान भी मिल गए, जुगनी भी मिल गई मौके। दोस्तों बात करते हैं टमाटर की, जानते हैं टमाटर का मंडी में आज का क्या कुछ बाजार चला। गाड़ियाँ तो वैसे कम है, जान लेते हैं भाई साहब से। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, भाई साहब जी क्या पोजीशन करी जी मंडी नए की, ये लंबे वाला गोल वाला और ये हिमाचल वाला जो अभी आया जी? भैया ये बात चाल तो अभी बेचा रही हूँ। अच्छा बोली बजाएगा ये? हाँ ये बोली बजाएगा लगभग। ये इसका मीडियम बिक रहा 12-12.5। अच्छा जी। और मोटा 15-16 के बीच में बिक रहा। अच्छा जी। और अपना ये लंबे वाला जी है दूसरा गिरनारा? गिन्नारा 15-16 के बीच में बिक रहा है, देसी भी यही बाजार है 15-16। जो बेंगलोर वाला गोला आता है वो? हाँ गोला यही बाजार। अच्छा। कल से कैसी पोजीशन है? कल से ही बल्कि ही बहुत सेम भाव है, कल भी यही बाजार था। अच्छा जी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी धन्यवाद दोस्त। धन्यवाद जी। दोस्तों बात करते हैं हिमाचल वेजिटेबल कंपनी पे, जानते हैं हिमाचल वेजिटेबल कंपनी पे आज का क्या कुछ बाजार चला। नमस्कार जी, राम राम जी। नमस्कार सर जी। सर जी आज क्या बात, माल लिया जी? आज माल भाव जी आज नहीं है। क्या बात जी? भाव जी थोड़ा मार्केट आपने देखा ही है कि इधर थोड़ा डाउन था, तो हमने गाड़ी तो बनवाई नहीं। अच्छा जी। हाँ तो मैं कहा एक दो दिन थोड़ा रेस्ट दे देते क्योंकि बाजार थोड़ा हिल रहा है। अच्छा जी। हाँ यहाँ का और ग्राहक भी थोड़ा कम ही है। अच्छा जी। अच्छा, तो इसलिए भी गाड़ी एक दो दिन छुट्टी है। अच्छा जी। अच्छा, और आपके पड़ोसियों पे क्या रेट चला जी इधर? ये भाव जी ये रतलाम है 1100 से लेकर के 1300 रुपए तक बिक रहा है रतलाम। जी जी। और ये इनके पास तो शायद बाहर वाला है जी, वो उधर का महाराष्ट्र वाला है? ये भाव जी महाराष्ट्र वाला ही है। अच्छा, वही गिरनारा साइड का। अच्छा, नासिक गिरनारा। इधर क्या चल रहा है जिसका? बस वही सेम पोजीशन है भाव जी, 1400 रुपए के आसपास है, बढ़िया माल जो है, क्वालिटी जो है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, बाकी 1200 से 1400 के बीच में। अच्छा जी। जी अपनी गाड़ी कब आएगी जी फिर? अपनी गाड़ी भाव जी परसों आएगी जी। अच्छा जी। जी साहब धन्यवाद भाई साहब जी। धन्यवाद। दोस्तों ये थे आज के दिल्ली सब्जियों के रेट, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।